इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी आपने देवर जी को दी, ये सब तो ठीक है, पर आप यहां से जा क्यों रहे हैं बक्सी जी? रोलंग के अधिपति होने के अलावा आरोपी के साथ पति और पत्नी का रिश्ता है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब तक कदाधर इस जांच की जिम्मेदारी को संभालेगा मैं रोड़ंग में नहीं रहूंगा, जिससे कि पक्षपात की कोई संभावना ही ना बचे। कहीं ऐसा तो नहीं कल्याणी पर आपका जो विश्वास है कहीं उसके टूटने का डर तो नहीं है आपको? इस सच से भाग तो नहीं रहे आप? तुमसे क्या कह रहा था, मेरे यहां रहने से तुम्हें लगता है कि मैं कल्याणी के समर्थन में खड़ा हूं, और जब जाने का फैसला किया तो तुम्हें लग रहा है कि मैं किसी बात से दूर भाग रहा हूं। सत्य तो यह है कि कल्याणी तुम्हारे तेरा दिमाग पे पूरी तरह हावी हो चुकी है, उसके बगैर हम कुछ बात ही नहीं करते हैं, ना कुछ सोचते हैं ना कुछ बात करते हैं, प्यार के दो शब्द भी नहीं बोलते हैं। आखिरी बार कब तुम बताओ मुझे, मुझे तो याद भी नहीं कब वो आखिरी बार हमने बैठ कर प्यार से सुकून से एक दूसरे का हाथ पकड़ कर हमने बात की हो, या फिर हमारे आने वाले बच्चे के दिन हमने एक दूसरे की उंगलियों पर गिने हो, बताओ, मुझे तो याद नहीं। राधा, कल्याणी पर ना सही मुझ पर तो विश्वास कर सकती हो। आप पर तो विश्वास कभी खोया ही नहीं बक्सी जी, और मैं ये भी जानती हूं कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी ना हो, और आपने जो चार दिन यहां ना रहने का फैसला लिया है उससे तो यह साबित हो जाता है कि आप भी चाहते हैं कि कल्याणी अपनी लड़ाई खुद लड़े बिना आपके सहारे के। राधा, मेरे यहां जाने से मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाह रहा, बस मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि जब भी न्याय हो तो उस समय पक्षपात ना हो, न्याय मांगने वाले को भी आजादी मिले और न्याय दिलाने वाले को भी, बस मैं और कुछ भी साबित नहीं करना चाहता। से जा रहे हैं बक्शी जी, क्योंकि मैं आपके इस धर्म संकट का आधार हूं, रोक भी नहीं सकती आपको। किस हक से रोकूं? एक पत्नी के, गुलदासी के, या एक आरोपी के? आपको ये सब मेरे लिए करना पड़ रहा है, तो अब मैं भी ये देखती हूँ कि आपको और परेशानी ना उठानी पड़े। आपके वापस आने से पहले मैं खुद को निर्दोष साबित करने के साथ असली दोषियों को आपके सामने ले आऊंगी, इससे पहले कि वो हम सबके बीच दरारें डालकर इस घर को और रोड़ंग को दीमक की तरह खोखला करते जाए।
राजा को ये नहीं मालूम कि घोड़े की शक्ल में वो कौन है जो उन्हें शह और फिर मात देने की तैयारी कर रहा है। ना ही ये पता है कि वो कौन सा ऊंट है जो घोड़े के साथ मिलकर एक लंबा षड्यंत्र रच रहा है उनके खिलाफ। वजीर की मजबूरी ये है कि वो घोड़े और ऊंट के असली चेहरे अभी राजा के सामने नहीं ला सकता, क्योंकि ठोस सबूत के बिना राजा उस पर विश्वास नहीं करेगा। वजीर ने सोचा था कि वो उसका दाव खेलने के लिए सही समय का इंतजार करेगा, लेकिन फिर घोड़े ने वजीर को फंसाने के लिए प्यादे का सहारा लिया। कल रात हमला करने के लिए कोई आया था, क्योंकि वो हमलावर मैं ही था। किसने कहा था तुमसे? कल्याणी जी ने। उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए उसकी कीमत भी दी। और फिर प्यादे को ही रास्ते से हटा दिया ताकि वजीर और फंसता चला जाए, क्योंकि अब चारों तरफ से घोड़े ऊंट और बाकी प्यादों से घिरा हुआ है। राजा तक पहुंच ही नहीं सकता, उनकी रक्षा कैसे करेगा? कुछ देर से ही सही, लेकिन वजीर को अब आगे कदम बढ़ाना ही होगा। जिस रास्ते को घोड़े और ऊंट ने मिलकर रोक रखा है, वह अपना रास्ता खुद बनाना होगा। अपना अगला दाव खेलकर दोनों में से किसी एक को रास्ते से हटाना होगा। पापा, आप जानती है ना कि वो कल्याणी जी वो रोडंग के बाहर उस किलेदार के घर गई थी? हाँ, जानती हूँ। इसमें बड़ी बात क्या होगी? हाँ, बड़ी बात ही तो है उपा। जाने से पहले उन्होंने किसी की अनुमति नहीं ली, ना आपकी ना आज्ञा की, बस ऐसे ही उस किलेदार की पत्नी से ही मिलने चली गई। साफ साफ कहो अम्मा, क्या कहना चाह रही हो? मैं क्या कहूंगी ओप्पा, आप खुद ही सोचिए ना ओप्पा जी। ओप्पा, उस रात वो कल्याणी जी अपनी सुरक्षा को लेके तो बड़ा डरी हुई थी। मुझ पे हमला हुआ है, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, ऐसा दोबारा भी हो सकता है। और फिर बिना किसी डर के मुंह उठाए वो रोडंग के बाहर चली गई, ना किसी से पूछा ना किसी को बताया। क्यों? तब उन्हें डर नहीं लगा? तब कहां थे वो हमलावर? क्या भांग पी के सो रहे थे? बुढ़म्बा राजकुमारी को तो तलवारबाजी भी आती है ना, एक योद्धा को तो ऐसे डरते हुए मैंने कभी नहीं देखा अप्पा। ये सब देखने के बाद ना साफ पता चलता है कि हमले वाली बात कल्याणी जी ने क्या के मन में और इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए गढ़ी है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।